नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सर, ये जो पूरी चाइनीज आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अब ये नाम जैसे कि श्योक, गलवान, गलवान रिज, गलवान रिवर, दौलत बे गोल्डी, ये सब बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। और अभी ऐसा मालूम चल रहा है कि चीन हल्का सा पीछे हटा है, फिर कभी आगे आ जाता है। और अभी आम नागरिक जो भारत का है, उसके मन में बात है कि शायद ये खतरा टल गया है। सर, ये बात सच है कि फिलहाल के लिए शायद ये खतरा टल गया है। मैं शायद वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये खतरा टला नहीं है सर, और ये टलेगा भी नहीं। जो चीन है, ये हमारे लिए खतरा बनता रहेगा। अगर हमें एज अ नेशन, एक पूरे मुल्क के तौर पर, अगर हमें कोई भी गलत फहमी है कि हमारा 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उनके साथ, और ये 500 बिलियन होकर चीन रुक जाएगा, चीन नहीं रुकेगा, वो ट्रेड भी करेगा और झगड़ा भी करेगा। क्यों? क्योंकि चीन के दिमाग में एक बात है सर, कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस है, दुनिया हमारे बिना नहीं रह सकती। चीन का विश्वास है, चीन का भरोसा है, और ये भरोसा ज़्यादा गलत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन ज़्यादातर ये भरोसा चीन का सही है। अब चीन को कैसे काउंटर करना है, मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ सर। आपको वैसे मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ सर। पहली चीज़, हमें देखना पड़ता है कि क्या इसका मिलिट्री सोल्यूशन है कि नहीं। चीन अरुणाचल में आ जाए, चीन डोकलाम में आ जाए, या फिर चीन लद्दाख में धक्के मारे, तो इंडियन आर्मी तो रोक ही लेगी सर, और इंडियन आर्मी सक्षम है, इंडियन आर्मी रोक लेगी। लेकिन इसके और तरीके हैं जिससे खून खराबा ना हो, पर चीन की चीख निकल जाए, और चीन की चीख कैसे निकलेगी सर, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर हम लोग ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, अगर इनको फॉलो करें तो चीन की चीख आप देखेंगे, 6 महीने के अंदर चीन मिमियाता हुआ आसपास नई दिल्ली के घूमेगा। सर, पहली चीज़ हमें यह देखना है कि चीन की नस कहाँ पे है। हम चीन की नस नहीं दबा रहे, चीन हमारी नस ज़रूर दबाता है सर, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मौलाना मसूद अज़हर की बात हो तो चीन यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के हक की बात हो चीन यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हो जाता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात हो, आपको, आपसे बेहतर कौन जानता है सर कि चीन क्या कर रहा है। भारत का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप हो, बाकी सब अग्री कर गए 4 मेंबर, अमेरिका अग्रीड है सर, ब्रिटेन अग्रीड है, रशिया इज़ ओके, फ्रांस इज़ ओके, रोड़ा कौन डाल रहा है बीच में, चाइना। आप जहाँ जहाँ डिप्लोमेटिक कदम उठाएंगे दुनिया में, किसी भी प्रकार का कदम उठाएंगे, आपको सामने चीन खड़ा मिलेगा। जब तक आप चीन के घुटने नहीं तोड़ेंगे, तब तक चीन ऐसे ही खतरे की तरह मंडराता रहेगा। सर, एक आम कहावत है कि अगर आपसे कोई बड़ा पहलवान है और उसने आपको घेर लिया है, अगर आपने ये इंतज़ार करा कि पहलवान पहला वार करेगा, तो फिर शिकस्त या हार आपकी होगी। लेकिन अगर पहला वार आपने करा, तो फिर आपका चांस है जीतने का, और हम लोग जीत सकते हैं। जीत में हमें क्या करना चाहिए, 50s में दलाई लामा आए थे तिब्बत से, हमने उनको एक्सेप्ट करा, आदर सत्कार दिया, और डलहौजी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी में एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल फंक्शन करने के लिए दे दी। सर, आज का ये आलम है कि डलहौजी बहुत कम लोग जानते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, चले गए लोग तो चले गए। हमें एम्बेसी इन एग्जाइल ऑलरेडी है इंडिया में, हमें उस एम्बेसी इन एग्जाइल को नई दिल्ली शिफ्ट करना है, चाणक्यपुरी मालचा मार्ग, ये वाला जो एरिया सर, एम्बेसीज वाला सर, यहाँ पे एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का एक ऑफिस बना के दें, आलीशान ऑफिस, और दलाई लामा जो हैं उनको ये रिक्वेस्ट करें कि वो दिल्ली शिफ्ट करें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, उनको एक बहुत बड़ा बंगला, हज़ारों बंगले हैं बड़े बड़े सरकारी दिल्ली में सर, एक बंगला आलीशान सा दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को भी दिया जाए, कोई यहाँ पर आके वो सेटल हो जाएं। दलाई लामा एक ऐसा ट्रंप कार्ड है, हम ये नहीं कह रहे कि हम दलाई लामा का इस्तेमाल करें, हम ये कह रहे हैं कि टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट को आपको जोर देना पड़ेगा, और वो आप जोर देंगे जो टिबेटन रेफ्यूजीज हैं इंडिया के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, आपको क्या लगता है सर कि कश्मीर कैसे हो रहा है? पाकिस्तान में इतनी औकात है कि बिना शय के इतना जो उत्पात मचा रखा है उसने कश्मीर में, वो बिना किसी की शय के कर रहा है, उसकी शय है चाइना की है, शय सब जानते हैं, चाइना खुद मुलविस नहीं है, चाइना खुद इन्वॉल्व नहीं है कश्मीर में,
लेकिन चाइना पाकिस्तान को शेल्टर दे रहा है, पाकिस्तान के ऊपर चाइना का हाथ है, उसका आशीर्वाद है, इसलिए पाकिस्तान ये गुस्ताखी कर रहा है और काफ़ी टाइम से है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हांगकांग में जो हो रहा है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। कुछ ही समय के बाद यह कोरोना वायरस का पूरा कहर ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा और दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। कुछ चेंजेस होंगे लेकिन लगभग वैसे ही चलेगी। सर हमें सबसे बड़ी बात क्या देखनी है, हमें ये बात देखनी है कि हांगकांग के बारे में हम क्या कर सकते हैं। हमें यह करना चाहिए कि जो हांगकांग के वासी हैं उनको दिल्ली बुलाना चाहिए, बड़े बड़े होटल्स में उनकी कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए कि जहाँ पे अपनी बात बोलें, और यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में उनकी कहानियाँ डालनी चाहिए। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज, जिसको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो कहते हैं, सारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका में हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़, और शामिल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शामिल हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, यू नेम इट, सब में वहाँ पे, और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके में हैं, जैसे आपके किंग्स कॉलेज लंदन है, बड़ा मशहूर है, आपका ऑक्सफर्ड है, बड़ा मशहूर है यूके में, उनमें जाके ये जो हांगकांग के जो प्रोटेस्टर्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, इन सबको इन यूनिवर्सिटीज़ में ले जाया जाए और सबके सामने इनको पेश करा जाए, सबके सामने इनको रखा जाए कि अपने मन की बात ये सब लोगों से कहें। हांगकांग में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और हिंदुस्तान ने कभी इस क्राइसिस को ना सपोर्ट करा ना समझने की कोशिश करी, ये हमारे लिए बहुत घातक है। तीसरी चीज़ ताइवान की सर, ताइवान एक खड़ा है मुल्क बहादुरी से जो कि वन चाइना पॉलिसी को डिफीट करने के लिए सक्षम है। चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बहुत ज़रूरी हैं, फुल फ्लेज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। चाइना क्या कर लेगा सर, क्या कर लेगा चाइना, और आपको क्या उम्मीद है कि चाइना क्या कर पाएगा हमारा? हम भी कोई कमज़ोर देश नहीं सर, 130 करोड़ लोग हैं, चीन कितने हमसे 20 करोड़ ज़्यादा, और क्या, उत्तर प्रदेश और जोड़ दीजिए भारत में चाइना बन गया, इससे ज़्यादा चीन का कुछ औकात नहीं है, ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। और इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर दो अलहदा चीज़ें, अलग चीज़ें, हम लोग कन्फ्यूज़ ना करें। ताइवान को हमें इनकरेज करना चाहिए, ताइवानीज़ को, कि आप इंडिया में आइए टूरिज़्म के लिए, उनकी कंपनीज़ यहाँ पर सेटअप हों, और इंडियंस को इनकरेज करना चाहिए कि हम लोग ताइवान जाएं। मैं यहाँ पे खुद सोच रहा हूँ कि अगली बार अगर मैं विदेश गया तो मैं ज़रूर एक बार ताइवान जाऊँगा, एक स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ताइवान को हम लोग सपोर्ट करें सर हर चीज़ में। वियतनाम कब से मांग रहा है सर हमसे ब्रह्मोस मिसाइल, क्या करा हमने उसके बारे में? हमें अपने नेबर्स को आम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन लातों का भूत है सर, ये बातों से नहीं मानेगा। आज गलवान से चला गया, ये कल अरुणाचल में आएगा, ये कहीं और आंख दिखाएगा सर, ये लाहौल स्पीति में आंख दिखाएगा। 3,500 किलोमीटर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ सर, ये कहीं ना कहीं पे हमें पिन प्रिक करता रहेगा, चाइना हमारी ज़मीन छीनता रहेगा। 1962 में 30,000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन चाइना हमसे छीन चुका है, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। और अगर हमें लगता है कि 1962 में जो हुआ दोबारा नहीं हो सकता, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। आज तो इंडियन आर्मी रोक रही है, लेकिन इंडियन आर्मी वहाँ पे रुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि चीन बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा सर। तो आप वियतनाम जैसे देश जो चीन के खिलाफ खड़े हैं उनको आप सप्लाई करिए, उनको तेजस एयरक्राफ्ट दीजिए सर, उनको ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए, उनको अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, उनके पास सब होने चाहिए। ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ इंडियन मिसाइल पावर शुड बी विथ कंट्रीज लाइक वियतनाम। दीजिए उनको सर, आपका तेजस टैंक है सर, आपका अर्जुन है, उनको जो चाहिए सर हम बनाएंगे, उनको देंगे। अगर खुद इसका कुछ कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़े, वियतनाम ये बोले कि साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उनको डेफर्ड पेमेंट में दीजिए, ये करना पड़ेगा। उसके अलावा सर, हमें जो शिंजियांग में वीगर मुस्लिम हैं, 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है, अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, हिंदुस्तान को भी बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए। तो सर अमेरिका ने तो अपना रोल प्ले कर लिया, उन्होंने कांग्रेस में अपना बिल भी पास करवा दिया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट शुड टेक कॉग्निसेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, और करना पड़ेगा सर हमें। हमें वीगर्स की बात करनी पड़ेगी, कई वीगर्स हैं जो अमेरिका में हैं, हमें उनको लाना पड़ेगा, उनको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ग्लोबल स्टेज में। यूनिवर्सिटीज़ वो जगह हैं सर, टेलीविजन स्टूडियोज़, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखना। एक हमारा एक सेल होना चाहिए
जो सर सिर्फ वीगर्स की बात करे, एक दूसरा सेल हो जिसका काम हो सिर्फ ताइवान की बात करे, तीसरा सेल हो जिसका काम हो सिर्फ हांगकांग की बात करे। इसमें हमारे एकेडमिशियंस होने चाहिए सर, हमारे और वीगर्स के, हमारे हांगकांग वाले, हमारे और ताइवान वाले, एक मिक्स एंड मैच हो। वो दिल्ली में बेस हो सकता है, कहीं और बाहर बेस हो सकता है सर। दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस करने, और जो मिलिट्री ऑप्शन की बात कर रहे हैं सर, मिलिट्री ऑप्शन तो हर समय है ही। आप आदेश देंगे तो हिंदुस्तानी फौज खदेड़ देगी, लेकिन भारतीय सेना के खदेड़ने से इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनेगा। परमानेंट सोल्यूशन वही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ सर। फौज लड़ने के लिए तैयार है, आप हुक्म दें, संगीन लेके चढ़ दौड़ेंगे, इनकी छातियों पर पैर रख के इनकी आंख के अंदर जाएगा संगीन, लेकिन हमें समझना है कि हमें करना क्या है। जहां तक इंडियन आर्मी है सर, मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CDS, ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है और बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस्ड है। हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, ये मास्टर्स हैं, ये ज़्यादा एडवाइस करेंगे। लेकिन सर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के, उन रेजिमेंट्स को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा मिलिटरीली। सर लद्दाख स्काउट्स नंबर वन, लद्दाख स्काउट्स को हमें क्या करना चाहिए सर? लद्दाख स्काउट की आई थिंक 5, 6 या 7 यूनिट्स हैं। लद्दाख स्काउट को एक्सपैंड करके आपको 20 या 21 इन्फेंट्री यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, जैसे कि लगभग हर एक रेजिमेंट की होती हैं। मेरी खुद की रेजिमेंट की 20-21 यूनिट्स हैं सर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। लद्दाख स्काउट्स को एक फुल फ्लेज्ड रेजिमेंट आप बनाइए, अभी भी है लेकिन अभी वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ अटैच्ड है सर। व्हेन आई से अटैच्ड, मैं एक वर्ड अटैच इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े लूजली कर रहा हूँ। दे आर द सेम रेजिमेंट्स, उनके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हैं जनरल वाई के जोशी, नंदनामी कमांडर हैं इस वक्त, उधमपुर में बैठते हैं। लद्दाख स्काउट्स को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। मेरी खुद की रेजिमेंट में कुमाऊं स्काउट्स है, मैं कुमाऊं स्काउट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा सर। अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, गढ़वाल, ये जितनी भी स्काउट बटालियंस हैं, इनमें लोग कहाँ से आते हैं सर? जो जवान हैं इनके, ये लोकल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लद्दाख स्काउट में सारे के सारे लद्दाखी हैं। वो पैदा ही 14-15 हज़ार फुट पे हुए हैं। उनकी माँ ने जब उनको जन्म दिया तो ऐसी जगह उन्होंने पहली बार आंखें खोली, ऐसी जगह सांस ली जहाँ पे आप और मैं जाएंगे तो 3 दिन तो हम बीमार रहेंगे, उसके बाद हम रिकवर करेंगे, तब भी हम सिर्फ 30-40-50% पे काम कर सकते हैं, 100% पे काम नहीं कर सकते वहाँ पे। लेकिन वो लोग पैदा वहाँ पे हुए हैं। कुमाऊं स्काउट के जितने भी लोग हैं सर, कुमाऊं स्काउट धारचूला एक जगह है, धारचूला में कुमाऊं स्काउट है, एक यूनिट है सर हमारी। कुमाऊं स्काउट की 15-20 यूनिट्स होनी चाहिए। गढ़वाल स्काउट, ये सब एरियाज हैं सर चाइना के आसपास। यहाँ के जो लोग हैं ये सक्षम हैं और इन्होंने प्रूफ कर दिया। कुमाऊं स्काउट बहुत तगड़ी पलटन है सर, वेरी स्ट्रांग यूनिट। गढ़वाल स्काउट को देखिए आप, ये सब बड़े सॉलिड लोग हैं। सिक्किम स्काउट्स, इनको हमें डेवलप करना। एक और हमारी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है सर, उसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। उसको एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं, उसको विकास भी बोलते हैं सर, बट ऑफिशियल नेम इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। SFF में तिब्बती जो दलाई लामा के साथ आए थे, दलाई लामा के साथ जो तिब्बती आए थे ओरिजिनली, अभी हिंदुस्तान में हर जगह बढ़ गए हैं, सिर्फ धर्मशाला में नहीं है, कोई बैंगलोर में भी रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, पर ये हैं टिबेटन्स। इनको फॉर्मली एक स्ट्रक्चर के अंदर लाने की जरूरत है। ऑफिसर्स सारे के सारे इंडियन आर्मी के हैं, बट बेटर वेपन्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर ट्रेनिंग। और ये स्पेशल फोर्सेज हैं, इसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा सर। ये जो लोग हैं, ये तिब्बती, कुमाऊनी, गढ़वाली, लद्दाखी, सिक्किमी, अरुणाचली, ये लोग हैं जिनको देख के चीनी आर्मी को सांप सूंघेगा सर। ये सच है, क्योंकि इंडियन आर्मी एक जैसी है हर जगह, सबकी फाइटिंग कैपेबिलिटी, सबकी बहादुरी, सबके पास सेम चीज है। लेकिन जो सन ऑफ द सॉयल का कॉन्सेप्ट है, जो जिस मिट्टी से पैदा हुआ है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और ये सन ऑफ द सॉयल के ही कॉन्सेप्ट पे रेज हुई है सर। ये जितनी भी जो जिनका मैंने नाम लिया है, स्काउट बटालियन, ये सन ऑफ द सॉयल कॉन्सेप्ट पे रेज हुई है। आई थिंक वी नीड टू एक्सपैंड देम सर, इनको एक्सपैंड करके और इनको वहां पर डिप्लॉय करके फिर आप देखिए सर क्या कमाल होता है। कमाल तो बिहार रेजिमेंट ने भी कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी खुद की पलटन वहां पर, अभी फोटोग्राफ आई थी, जनरल साहब वहां पर थे, अवार्ड कर रहे थे मेरी खुद की यूनिट को। मेरी खुद की यूनिट ने चीनियों के तांग तोड़े अभी 4, 5, 6 जून को।
जो एक्शन हुआ है वो मेरी पलटन थी, 17 कुमाऊं खूब तोड़ा चीनियों को अच्छी तरीके से, लेकिन सर इस सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट को हमें बढ़ावा देना है। आखिरी चीज़ मैं कह रहा हूँ सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग सुन लें इसको ध्यान से। ये लिखते हैं लोग न्यूज़पेपर में सन ज़ू आर्ट ऑफ वॉर 13 चैप्टर है सर, मैंने भी उसके ऊपर फौज पर बुक रिव्यू लिखा था, सभी फौजियों ने पढ़ रखी किताब, तो लोगों ने अभी डिस्कवर करी किताब, तो फिर बड़े बड़े आर्टिकल द अल्टीमेटिव एम ऑफ फाइटिंग इज टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग और समथिंग लाइक दैट, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट जो सुन ज़ू ने बोले थे। सर ऐसा है कि हम सुन ज़ू की थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, वो चाइनीज के लिए अच्छी है, हमारे लिए चाणक्य अच्छा है। हमें अपने रूट्स में जाना होगा, हमें अपने पास्ट में जाना होगा, और जब हम अपने अतीत में जाएंगे, अपनी हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के जवाब वहां से मिलेंगे। हम लोग चाणक्य को डिस्कस क्यों नहीं करते सर? ये कौन है सुन ज़ू जो हमारे दिमाग पे इतना हावी हो गया है? क्या है ये? ये कौन है ये? चाणक्य ने अर्थशास्त्र तब लिखी थी जब सुन ज़ू पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग अपने वेदों के बारे में बात नहीं करते जिसमें इतना ज्ञान है, क्योंकि अगर आप वेदों के बारे में बात करेंगे तो यू आर नॉट कूल, आप कूल नहीं है सर, तो फिर आप क्यों बात करेंगे? आपसे मेरा मतलब है हिंदुस्तानी हम सर, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, हिंदुस्तानियों के बारे में कह रहा हूं। यू आर नॉट कूल, यू हैव टू कोट जॉन स्टीनबेक, आप दोस्तोवस्की की कोट करेंगे, आप मैक्सिम गोर की कोट करेंगे सर, आप सुन ज़ू को कोट करेंगे, लेकिन जो आपके खुद के ऑथर्स हैं जिन्होंने ग्रंथ पर ग्रंथ लिख दिए, उनका नाम लेने में शर्म आएगी, और इसीलिए हमारा यह हाल हो रखा है। वी हैव फॉरगॉटन हिस्ट्री, वी हैव फॉरगॉटन आवर ओन हिस्ट्री, वी आर, आई वुड नॉट से वी आर अशेम्ड, बट यस एज आई सेड, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं इसको डिस्क्राइब करना, इट्स नॉट सो कूल सर, क्या करना है। और आप जब वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं, तो फिर लोग संगी है ये तो बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी, तो लोग ऐसा सोचते हैं सर। लेकिन ज़रूरी है हम छत्रपति शिवाजी को क्लोजली स्टडी करें सर। छत्रपति शिवाजी की स्टडी इतनी नहीं हो रही है जितना हमें करना है और जितना हमें करना चाहिए, उनकी स्टडी नहीं हो रही सर। आपके अपने हीरोज़ हैं, छत्रपति शिवाजी की ऐसी कहानी है कि मुट्ठी भर लोगों को लेकर औरंगजेब को इतनी बुरी मात दी कि एंड में वो डिप्रेशन से मर गया आदमी, परेशान होकर मर गया। ये हमारे हीरोज हैं सर, इनके बारे में डिस्कशन हो, डिबेट हो, इनके बारे में इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है इसको स्टडी करा जाए। देयर इज वेल्थ ऑफ नॉलेज। ये हर समय ना वेस्ट लुकिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा है। रोमेल नो डाउट सर वॉज अ ग्रेट लीडर, कोई मना नहीं कर रहा कि रोमेल ग्रेट लीडर नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि गुडेरियन कोई कम था, क्लॉसविट्स कोई कम था, मॉन्टगोमरी कोई कम था, हम ये नहीं कह रहे। हम उनको सल्यूट करते हैं सर, हम सलाम करते हैं उनको, दे वर ग्रेट लीडर्स, बट सर सो वॉज छत्रपति शिवाजी सर। हम छत्रपति शिवाजी को कम ना समझें, तो अपनी हिस्ट्री में जाएं, इसके बारे में चाणक्य क्या कहता है, किस तरीके से सिचुएशन के साथ डील करना है। जफरनामा है सर, गुरु गोविंद सिंह जी की किताब, मैं कई बार कह चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जफरनामा शुड बी कंपलसरी रीडिंग। आपकी फॉरेन पॉलिसी का बेस होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की किताब। पर नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सर। छत्रपति शिवाजी ने कुछ नहीं करा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुछ नहीं करा, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा है गोरे ने करा है, क्योंकि जब तक गोरा नहीं कहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी बात, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज जो चीन हावी हो रखा है सर, वो चीन जो है वो यहाँ पे हावी नहीं हुआ, चीन यहाँ पे हावी हुआ है, ये हमें समझने की बात है। हमारी सोच में चीन बड़ा है, और हमारी सोच में चीन इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा वो है नहीं। ये हवा है चीन का सर, ये गुब्बारा है, सुई मारेंगे फुस हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा था सर, मेरे कुछ पॉइंट्स थे। चीन इज्जत देता है ताकत को सर, चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। हम जितना फ्रंट फुट पे खेलेंगे गेम, चाइना उतनी इज्जत करेगा। आप जितना चीन के अंदर खौफ डालेंगे उतना चीन इज्जत करेगा, उतना चीन अदब से झुक के बात करेगा। अगर हम लोग चीन से डिसेंटली बिहेव करेंगे, अगर हम वो 1996 और 2005 की ट्रीटीज चीन के सामने आगे करेंगे जैसे हमने करी, चीन फाड़ के फेंक देगा कागज, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। भय बिन होए न प्रीत सर, हम अपना इतिहास ना भूलें, हम अपने वेद पुराण और ग्रंथ ना भूलें। लिखा है सर उसमें, बिनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।
हम चीन के साथ दोस्ती अगर करना चाहते हैं तो हम न भूलें कि प्रभु श्री राम के बारे में क्या लिखा गया था, भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जय हिंद।